हाय गाइस, मैं करण राज ऑफ द ग्रेट रिएक्शन। आज जिस पे फाइट रिएक्शन करने वाला हूँ भाई, वो है एक कदम। और हिंदी में बोले तो एक कदम है, और तेलुगु में बोले तो नीनो कार्डन महेश बाबू की मूवी है, एक तेलुगु मूवी है गाइस। तो गाइस, महेश बाबू की बात की जाए, जैसे उनकी फिल्म थी बिजनेसमैन, वो भाई बिजनेसमैन जो मूवी थी भाई, अब देख लोगे ना तो वो फिल्म का भूल ही नहीं सकते हो। एक बार में आपका दिल कभी भरेगा ही नहीं, इतनी अच्छी मूवी वो। तो गाइस, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जो हर वीडियो अब तक पहुंच जाए। जी हाँ, तो बस जिसकी उनकी फिल्म थी वांटेड जो फिल्म थी, तेलुगु में वांटेड मूवी थी भाई, वो वाला फिल्म बवाल मूवी थी। उसी का रिमेक किया है भाई, सलमान खान किया है भाई, और उसी फिल्म से सलमान खान चमक गए थे। जी हाँ, ऐसे सलमान खान की मूवी को हिट नहीं हो रही थी, लेकिन उस मूवी से भाई सलमान खान बवाल हो गया। उसको जब दबंग 3 से निकला, तब अब जाके वो सलमान खान आगे बढ़ा। तो फेसबुक पे कुछ शेयर किया था कि महेश बाबू कि अगर मैं नहीं होता तो सलमान खान का क्या होता, ऐसा कुछ मुझे सुने आया था। लेकिन भाई सलमान खान के बात ही अलग है। तो रीमेक करके बाहर बना ये कुछ बना, मेहनत तो मेहनत है, खैर छोड़ो भाई, तो बॉलीवुड की बात ही अलग है। तो भाई महेश बाबू की बात किया जाए तो भाई उनकी जो फिल्म थी स्पाइडर, वो फिल्म तो बवाल मूवी थी गाइस। तो गाइस चलते सीधा रिएक्शन में चलते हैं, उसके बाद ही महेश बाबू के बारे में बात करेंगे।
ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నారు చెప్పు అతను వదిలేసే వాళ్ళెవరో నాకు తెలుసు. సరే లాస్ట్ విష్ ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నా? అర్లే చెప్పరా, పర్మిషన్ ఇస్తాను. చెప్పు, చెప్పరా. गाइस एकदम भाई की फाइट सीन एकदम धमाकेदार, जो बोलते भाई एकदम धमाकेदार थी. मुझे बहुत अच्छी लगी यार. क्या महेश बाबू वो फाइट थी सुपर है. महेश बाबू जो डांस भी बहुत सुपर होती है. हालांकि तेलुगु को बहुत बड़ा स्टार भी तो है भाई, लेकिन महेश बाबू की जैसे फिल्म बिजनेसमैन की जैसे बात किया था भाई वो फिल्म. आप अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार एक बार देखो. ये जूनियर एनटीआर के फैन हो, डार्लिंग प्रभास के फैन हो, जिसका भी फैन हो भाई, एक बार आप उस फिल्म को देखो, आपको दिल खुश हो जाएगा. बहुत अच्छी यार, उनका भी फैन हो जाओ यार. तो बहुत अच्छी फिल्म थी यार एक कदम. और मुझे इतनी अच्छी फिल्म लगती, इसको जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी ना भाई, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक थी क्या, इतनी डेंजर बैकग्राउंड, सुपर जो बोलता हूँ एकदम सुपर यार. मुझे बहुत अच्छी लगती बैकग्राउंड म्यूजिक. तो कैसे, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो आप तक पहुँच जाए. इसका बैकग्राउंड म्यूजिक
एंड फिल्म सुपर मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक कदम। और भाई कृति सेनन की जो एक्टिंग थी भाई एकदम लाजवाब सुपर एक्टिंग थी। हालांकि शुरू में जो फाइट हुई थी उनको फ्रेंड लॉक करती कृति सेनन को बर्थडे थी भाई तो उनको पिट दिया उस मतलब उनको कुछ दिमाग कुछ प्रॉब्लम था कि मतलब कुछ नेगेटिव सोचने लगते थे, मतलब नेगेटिव दिखने लगता था सब कुछ, ऐसे लगता था रियल में था। फिल्म आप एक बार देखो यार बहुत सुपर मूवी है एकदम। आप देखोगे ना जो बोलो फैन हो जाएगा एकदम फैन हो जाओगे फिल्म का। इनका भी और महेश बाबू का भी फैन हो जाएगा। बहुत अच्छा मूवी है यार सुपर जो बोलते ना एकदम लाजवाब धमाकेदार मूवी है यार। एक बार देखो आप विश्वास करो यार देखो बहुत अच्छी मूवी। तो गाइस चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।